नंगा बैठा हुआ यहाँ पे यार, क्या कर रहा है यार, नंगा क्यों बैठा हुआ है यार, ढक इसको, ढक इसको। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अभी चल रही है अपने व्लॉग की एडिटिंग। ओम भाई टन होके सोया हुआ है, इस कूड़े में गाड़ बांधते हैं अपने, गाड़ बांध दी अभी। कैच करो, कैच करो। कूड़ा वाली गाड़ी घर में रोज आती है, बट वो आज निकल गई, हम डालना भूल गए कूड़ा। तो अभी जो गाड़ी है वो पीछे वाली गली में है, तो पापा वहाँ गए डालने के लिए। ये पापा कहाँ जा रहे हैं भाई, अब चलो लेके। व्लॉग इज अपलोडेड। चलो भैया इसको बंद कर देते हैं ऐसे। सोफे में चुलबुल के बाल ही बाल, नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के हम सोफे में बैठते हैं, और बैठते ही जो हमारे दो बन है तशरीफ है, उसमें पूरे बाल ही बाल लग जाते हैं। तशरीफ में इन द सेंस की जीन्स में, पैंट में, कच्छे में बाल ही बाल। चलो भैया चाय भी रेडी अपनी। बाकी मम्मी यहाँ पे देख रही है व्लॉग हमारे एक्टर साहब का। एक्टर साहब प्रणाम। मम्मी प्रणाम। प्रणाम। आज पापा एक यूनिक चीज प्लान करी हमने, मतलब मैंने, आज मैं और ओम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, और मूवी देखने जाएंगे और वहाँ बनाएंगे मैगी थिएटर के अंदर। जाए क्या? फालतू काम मत करो प्लीज, फालतू काम मत करो बेटा, फालतू काम मत करो। कभी किसी हॉल वाले ने देखा ना वहाँ, तुम्हारा गैस का चूल्हा भी ले लेगा और तुम्हारा तुम्हें मारेगा भी, पकड़ गए। और नहीं नहीं गैस का नहीं, गैस का एक कप्पा नूडल्स आते हैं तो उसमें डालते गरम पानी और नूडल तैयार, तो बनाएंगे वहां अंदर जाके। बिल्कुल मेरा खाना है, फिलहाल गैस बना के आ चुका हूँ मैं, और अपना नाश्ता भी रेडी है भाई, सामने मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी जान भी रेडी हो चुका है। आज भोजन सिर्फ मैं और ओमी कर रहे, बिकॉज आज पापा और मम्मी का व्रत है अष्टमी का। ये क्या है यार, ये पत्थर बना दे, रोटी रोटी है, पत्थर है क्या ये, क्या ये, अरे मम्मी ने क्या दिया मेरे को ये। मम्मा मैं मानता हूँ कि आपका व्रत है आज, तो हमको ये खिलाओगे आप? ये क्या है ये? रोटी। रोटी रोटी है ये, पत्थर है ये। क्यों? देख मैंने किस में बनाई है रोटी, ये किसमें? ये देखिए इसमें, ये इस प्लेट में नहीं है, ढक्कन में। तभी तो जल गया वो। क्या मम्मा अभी क्या बना दिया? आज खा ले, शाम को फिर प्रसाद बनेगा ना बढ़िया वाला। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लेकिन ये कि अगर मेरे पेट में पथरी होगी तो उसके जिम्मेदार आप ही होगे फिर। ज्यादा नहीं बोलते ठीक है, पथरी नहीं होती रोटी से। चलो भैया अपना पत्थर वाली रोटी तो खा ली है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए केला खा, बिकॉज केला इम्प्रूव्स डाइजेशन। ओम भाई ओम भाई ओम भाई, रेडी है मूवी के लिए? चलो रेडी है ना, मजा देंगे। और क्या तुझे प्लान कह रही है हम क्या करने वाले आज? प्लान जो करने वाले आज, प्लान मूवी नहीं, मूवी क्या, मूवी प्लान नहीं भाई, प्लान कुछ और है। जो आज हम करने वाले हैं वहाँ हम बनाएंगे मैगी, मॉल के अंदर मैगी बनाएंगे आज, थिएटर के अंदर मैगी बनाएंगे आज। पागल हो गए क्या, थिएटर के अंदर मैगी कैसे बना दोगे? अरे आप बनाएंगे देख तू भाई, आज बनाएंगे मैगी। क्या करोगे, गैस का वो लेके जाओगे अंदर? पूरा सिलेंडर जाएगा अंदर। हाँ भाई वो सिलेंडर उन्होंने देख लिया, तो वो सिलेंडर हमारे अंदर कर देंगे। आज बनेगी मैगी भाई। मैगी क्या करोगे, बनी बनाई ले चलते ना भाई। नहीं 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 भाई, वहाँ जाके बनाएंगे अंदर बैठ के, आज मूवी ने देखनी है, आज हमको वहाँ मैगी बनानी है भाई। मैं नहीं बना रहा भाई मैगी, मैगी अंदर। अरे भाई मरेंगे भाई, फालतू में खाली। अरे देख 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 मजाक कर रहा हूँ भैया, कोई गैस नहीं है, कोई आग नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं है, जो चीज है वो है कप्पा नूडल्स, नाम सुना है? कप नूडल। हाँ वो ले लेंगे, और साथ में थर्मस में गर्म पानी भर लेंगे, और वहाँ जाके कप्पा नूडल में गर्म पानी मिला देंगे और खा पी के ऐश कर लेंगे। डन है? डन पक्का? ये तो कर सकते हैं टफ भाई अभी, लेकिन अगर नहीं। हमने बहुत अतरंगी चीजें करी है मॉल के अंदर। आप एक टॉफी का पैकेट, एक टॉफी का छिलका भी नहीं ले जा सकते, बट हम वहाँ पे चिप्स ले गए, कोल्ड ड्रिंक ले गए बाहर से खरीद के। अब भाई अभी हो चुका इंटरवल, अब निकालते चिप्स। निकाल किसने कंप्लेंट अपडेट कर दी, तो कोल्ड ड्रिंक निकाल, कोल्ड ड्रिंक्स। मोमोस ले गए, बर्गर ले गए, थिएटर के अंदर बाहर से लाए हुए। ये देखो भाई कैसा है, मजा आ गया। तो भाई ये रहे हमारे बर्गर, और मस्त बर्गर खा रहे हैं। स्मॉल बॉक्स पर काम करते हैं। मोमोज भाई साहब, बर्गर खा लिए, मोमो खाएंगे, फिर पियेंगे अपनी स्प्राइट, फिर खाएंगे चिप्स और फुल एंजॉय भाई साहब। बट आज हम क्या ले जा रहे हैं, कप्पा नूडल्स। और दिक्कत वाली बात अभी ये है कि हमारे पास होगी थर्मस की बोतल, जो कि स्टील की है, तो क्या हो गया, और स्टील डिटेक्टर्स होते हैं। तो बोल देना भाई कि बीमार हो रखा कोई हमारे साथ में, उसको गर्म पानी चाहिए, इसमें दवाई मिलाइए। और अगर उन्होंने गलती से बैग खोल दिया और वहां पे निकले कप्पे नूडल्स, तो तेरे ऐसे कप्पे बनाएंगे मार मार के। वे भाई देखो रिस्क है तो इश्क है। मम्मी खा रही है अपने फ्रूट्स अपने बेटे को, दिल्ली रोटी खिला के। ओम बना रहा है चुलबुल का खाना मस्त। पानी अपना खोलता वो गर्म हो चुका है, देखो इससे भाप निकल रही है, तो ये डालेंगे हम कप्पा नूडल्स के अंदर, और इसकी बनाएंगे हम, और इसकी बनाएंगे हम मैगी। तो गाइस अभी यहाँ पर हमने बैग ले लिया, और यहाँ पर ले ली अपनी बोतल जिसमें हमको गर्म पानी रखना है, और इसको डाल देते इसके अंदर। खाएंगे किससे भाई, चम्मच भी तो रखनी है, चम्मच रखेंगे हम कोहली भैया के बीच में।
यहाँ पे ठीक है ताकि आवाज ना करे। प्लेट भी मैंने किताब के बीच में डाल दी है। चलो अब देखो आवाज उतनी खास तो नहीं हो रही है, बढ़िया हो रही है। ठीक है बढ़िया। तो माइक रेडी करते हैं अपने और माइक पहनते हैं। चलो भाई माइक पहन ले। तो गैस बस अभी निकलते हैं और सबसे पहले लेते हैं कप्पा नूडल्स। चलो एक ये है मजेदार मसाला, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और तो नहीं है ना, ये मैगी है, प्रॉपर मैगी है ना। ये खाएगा मैगी, ये ट्राई करता है। ये नहीं, मैगी तो खाते रहते रोज। तो भैया जी दो कप्पा नूडल्स ले लिए हमने, और क्योंकि वहाँ पे प्यास लग जाएगी तो पीने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो अब हम ले रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। ले लो भाई, कौन सी लोगे बताओ। ये दो कप्पा नूडल्स ले लिए इसके अंदर बैक अंदर, बाकी ये गई अपनी पेप्सी और बस सब कुछ बिंदास। अब भैया जी हमारे साथ यहाँ पे हो गया धोखा। धोखा ये हो गया कि जो हमारा माइक था वो काम करना ही बंद कर गया। भाई हम इतनी प्लानिंग बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कुछ भी काम नहीं करी भैया, सिर्फ वीडियो बनी है, आवाज है ही नहीं, हम गूंगे हो गए यहाँ पे। कतई इस जगह पे तो भाई साहब मेरी जान निकल गई थी जब ये आंटी मेरे को देख रही थी और ओम की चेकिंग हो रही थी। अगर गलती से वो बोलते कि बैग को खोलो तो हमारी जान हलक में आ गई थी भैया। बट अंकल जी भी इतने शूटर आदमी हैं कि उन्होंने सिर्फ जेब चेक करी, जहाँ पे सामान रखा था वो तो चेक करा ही नहीं भैया बैग अपना। मैं बेचारा इतना भोला सा बालक, इतना सीधा साधा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा बोले जा रहा हूँ, मुझे क्या पता कि मेरे ही माइक ने मुझे धोखा दे दिया यहाँ पे। ये हमारा इतिहास है भैया कि जिस टाइम का शो होता है उसी टाइम पर अंदर पहुंचते हैं। भाई हम 2:30 बजे का शो था, 2:30 बजे अंदर पहुंच रहे हैं। और ये थी वो फाइनल घड़ी जहाँ पे हमारी होनी थी फाइनल चेकिंग, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जगह पे ये भाई बैठा हुआ था जिसको हमने पागल बना दिया भाई, इल्लू बना दिया और अंदर घुस गए हम थिएटर के। ये थिएटर के अंदर घुसते ही जो हमारा पहला रिएक्शन था वो था कि भाई पूरा थिएटर खाली पड़ा हुआ था, पूरा थिएटर हमारे आगे दो लोग बैठे हुए थे और उनके पीछे हम दो लोग बैठे हुए थे। भाई साहब इंटरवल होते ही पूरे थिएटर में अंधेरा सन्नाटा हो गया, हम डर गए कि भाई क्या जो हो गया अचानक से ये, लेकिन सब ठीक था। फिर लगे हम अपने प्लान में, हमने निकाले अपने बैग से अपनी मैगी और कप्पा नूडल्स। ये देखो इसमें डाला गरम गरम पानी ओम के वाले में, ओम ने डाला गरम गरम पानी। बट इसी बीच में भैया जी थिएटर वालों का स्टाफ आ गया थिएटर के अंदर और हमारी जान फिर से हलक में आ गई थी। ये देखो भाई मेरे थिएटर वालों का स्टाफ हमारी ओर आया और बोला सर डू यू लाइक टू हैव सम पॉपकॉर्न्स एंड बर्गर्स। हमने कहा नो थैंक यू सो मच गेट लॉस्ट। तो वो चले गए, हम बच गए भैया। और इसी बीच में भाई सारा पानी ओम ने अपने कप्पा नूडल्स में डाल दिया और मतलब पानी बचा नहीं मेरी मैगी के लिए। यहाँ पे मोदी जी सामने अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, यहाँ पे वो मैगी खा रहा था अपनी और भाई मेरी मैगी के लिए। भाई देखो यार मतलब पानी नहीं बचा यार, क्या फिर कलेश ये हुआ कि सारा सूप कप्पा नूडल का ओम की पैंट में गिर गया भाई। भाई पूरी सीट खराब, पूरी पैंट खराब, इवन ओम की चड्डी तक में सारा सूप ही सूप घुस गया भाई। फिर ओम ने क्या करा वो देखो आप। अभी बहुत बड़ा धोखा हो गया है, मैंने चेक करा कि मेरा माइक काम नहीं कर रहा है भाई। कब से मतलब जब से हम घर से निकले थे उस स्कूटी से नूडल्स लेने के बाद, तब से माइक ही काम नहीं कर रहा यार। कितना व्लॉग बनाया था यार, सब बना तो है लेकिन आवाज किसी में नहीं आई है यार, सब म्यूट हो गया यार। ये नंगा बैठा हुआ है यहाँ पे, क्या करा तू यहाँ पे भाई? ट्राउजर भाई सब गिर गया, पूरा सूप गिर गया। मैंने बोला था कप नूडल लाए हो भाई, कप्पे में खाते हो अबे, प्लेट में खाते हो। प्लेट में कौन खाता है, कप्पा क्यों दे रखा है? अगर प्लेट में खाना होता तो ये तो पहन गिर गया भयंकर, तो ये तो पहन ले अब। सब बैठे यहाँ पे, ये पहले छुपा का लिखे तू, पागल पागल हो गया क्या? देख ले क्या चोकड़ा लगा के, अबे
ये तो पहन ले, नंगा क्यों बैठ रहे हैं यहाँ पे? भाई वो भीग गया नीचे से। क्या भीग गया है? चड्डी भी भीग गई, अंदर भी सब भीग गया मेरा, सूप लग गया पूरा कप्पे का। मैं हद पार कर दिया, हद पार कर दिया। मैं से कितने बार बोल रहा हूँ कि भाई कच्छा ऊपर कर ले, अपना पजामा ऊपर कर ले। नहीं ऊपर कर रहा भाई, ये नंगा बैठा हुआ यहाँ पे। यार क्या कर रहा है यार, नंगा क्यों बैठा हुआ है यार? उठा किसको, उठा किसको? ओए क्या कर रहा है यार तू, पागल हो गया क्या? पहले उसको अबे शर्म तो कर ले यार, बेशरम। पहले उसको भाई भीगा हुआ है वो। तो क्या हो गया, भीगा हुआ है तो उठा किसको, पागल का नंगा हो गया थिएटर में। यहाँ पे थिएटर में नंगा हो गया यार, ये क्या कर रहा है पे? क्या है? तो भाई मॉल में मैगी तो खा रहे हैं, मेरी मैगी है, इसका कप्पा नूडल है और इसका सूप गिर गया इसके पजामे में। बट कोई बात है, चलो ठीक है। अभी इसने ऊपर कर लिया है और अब ऑलमोस्ट ये गीला हो गया इसका। टेस्ट कराओ, ये तो बहुत तगड़ा लग रहा है, बहुत लाल है यार ये। प्लीज हमको 2 मिनट, बहुत स्पाइसी है ये। तो तेरा पैंट अब ठीक है ना, देखो हाँ ठीक है। और बाकी यहाँ पे बैठे 2 लोग, मेरे खुद के पजामे में गिर गया भाई सूप यार, मेरी मैगी का। बहुत रिस्की, बहुत रिस्की है। तभी बोल रहा था कप्पा उसके साथ क्यों दिया है, ताकि हम कप्पे में खाए। अरे मैंने कहा भाई प्लेट में निकाल के खाएंगे, एंजॉय करेंगे, सब गिर गया। आप गधे। मतलब जो इस मूवी में हुआ वो इंडियन फैमिलीज में आम बात है, आम बात। बट जिस कंट्री में हुआ वहां पर ये आम बात नहीं थी। और अगर ऐसा होने लग गया इंडिया में खासकर, तो भाई फिर कोई बच्चा अपनी मम्मी के साथ नहीं रह पाएगा। सर जी थैंक यू सो मच। सर जी फिर आएंगे, फिर मिलेंगे आपसे। ओके सर। देखा गीला हो गया, पीला हो गया, मेरा भी पीला हो गया। ये सारी गिर गई बिकॉज मैगी थी, हमने प्लेट में निकाल दी, सारा सूप सब गिर गया हमारे। अबे कप्पा था यार वो, कप्पा कप्पे में खाते हैं, आपने प्लेट में निकाल दिया, कैसे पागल क्या गए थे गुरु नाना? कप्पे को कप्पे में तो खाएंगे। हाँ सही बोला, हेलमेट आया तू? हाँ लाया हूँ। अंकल जी तो भाई मस्त चैटिंग कर रहे हैं। अरे हाँ किससे कर रहे चैटिंग? आपसे। अभी ले आया मैं घर में मम्मी के लिए समोसे। मैंने कहा मम्मी समोसे खा लेंगी, आज तो समोसे ले गई तू, आज मेरा व्रत है। फिर आया मम्मी का कॉल कि बेटा मेरे लिए लिया सैंधा नमक और घी। मैंने कहा क्यों? फिर कहा मम्मी ने कि बेटा मेरा व्रत है, आज रात को बनेगा हलवा प्रसाद में। तब मैंने कहा भाई या मैंने तो समोसे ले लिए मम्मी के लिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं हम खा लेंगे। अब समोसे रेडी, चटनी रेडी है, कोल्ड ड्रिंक रेडी है हमने जो ली थी, और यहाँ पे हूँ भाई मस्त खा रहा है। ये है अष्टमी का प्रसाद, चने पूरी हलवा आलू टमाटर की सब्जी। पापा और मम्मी ने मस्त खा लिया है, तो अब खाते हैं और भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। सो एज ऑलवेज अभी करते हैं ब्लॉग को एंड। आपने देखा कि हम थिएटर में गए और थिएटर में जाके ओम भाई साहब ओम नंगा हो गया वहाँ पे, अपनी पैंट वैंट सब उतार दी उसने वहाँ, क्योंकि इसकी पैंट के ऊपर कप्पा नूडल का सूप गिर गया। तो वो पैंट के ऊपर से होते हुए पैंट के अंदर, इनफैक्ट इसकी चड्डी के अंदर घुस गया वो। तो उसने कहा सब खोल भाई, नंगा हो जाओ, बिकॉज ये झेल नहीं पाया गर्माहट को भाई। तो लेकिन जो भी था बहुत मजे करे, हमने भी आपने भी आए हो बहुत मजे करे होंगे। तो बस अभी करते हैं इस व्लॉग को एंड। अगर आपको व्लॉग देख के मजा आए, चेहरे पे स्माइल आए, आपने एंजॉय करा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल सुबह, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन। कल सुबह तैयार होना, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई आई डोंट थिंक कि मॉल में ऐसा कोई कर सकता है, थिएटर में कोई ओम की तरह पैंट उतार सकता है भाई, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता भाई साहब। तो बस बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह, बाय।